हमें छेड़छाड़ बिल्कुल ना, माशाल्लाह अच्छा है। इस सीटी का मामला थोड़ा बंद करो, आपसे मेरी गुजारिश है बैठ जाए, थोड़ा अदब का माहौल बनाए, ये नातिया महफिल है, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे, आपके नाम अमाल में नेकियों का इंशाल्लाह इजाफा होता रहेगा, आप बेफिक्र रहे। दो काम, एक तीर से दो शिकार होगा इंशाल्लाह, एक शोरा को हौसला मिलेगा और एक आपका काम होगा। जी आइए हज़रात गिरामी, ये थे सादिक चमन जो अच्छे अशआर से नवाज रहे थे, आइए हमारे स्टेज पर जनाब डॉक्टर नसीम पठान साहब जहानागंज जी, मोहम्मद अख्तर हसन शेर साहब जहानागंज जी, जनाब साधु यादव पठान रामपुर जहानागंज से जिनका ताल्लुक है, तमाम मेहमानों ने इकराम हमारे स्टेज पर हैं। मैं इनकी आमद पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आइए हज़रात गिरामी, फिर नातिया अशआर के लिए मऊ नाथ भंजन की सरजमीन पे जाना चाहता हूँ। हम तो नबी के मानने वाले हैं, मीडिया के हवाले से एक पैगाम भी पहुंचे, नबी के मानने वाले कैसे फसादी हो सकते हैं, यह आपके लिए है। एक एक बात को मेरी गौर से सुनिएगा कि नबी के मानने वाले फसादी हो कैसे सकते हैं। अरे नबी ने तो मदीने से कहा था कि हिंदुस्तान से मुझे खुशबू आ रही है, हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आ रही है, बस हाशिम ने ये सच कहा है, हमें मुत्तहिद होना है, हमें मिलकर ये बताना है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाशिम ने ये सच कहा है कि देवबंदी देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। ये अजीब कितना है, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए, अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, दरकशों में जंग खाए सारे फूटे तीर हैं, अरे सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिगड़े हुए पड़े हैं। इसके लिए ये इतिहाद का पैगाम है चार मिसरा, इस पे आपकी दाद आनी चाहिए कि मुत्तहिद होंगे हमें दीन बचाना होगा। कहिए बेशक आवाज नहीं आ रही, अच्छे शेर पड़े जा रहे कि मुत्तहिद होकर हमें दीन बचाना होगा, अरे मिल के मंसूबे बातिल को मिटाना होगा, कूज से जिसकी पहाड़ों का जिगर फट जाए फिर वही नारे तकबीर लगाना होगा। कह दीजिए नारे तकबीर, नातिया मुशायरा शोरा इकराम अहले जहानागंज। हाँ ये बात है, पैदा की गया। ये हज़रात गिरामी, एक शेर को एक शायर को मैं आवाज देना चाहता हूँ, मऊ नाथ भंजन की सरजमीन पे पहुंचता हूँ और एक ऐसे शायर को माइक पर बुलाने जा रहा हूँ जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपने खूबसूरत आवाज के हवाले से पूरे मऊ नाथ भंजन की इस वक्त नुमाइंदगी कर रहा है। वो नाम है जनाब शहाब नुमानी का। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ चार मिसरों से, दिल को खुशी से भर के भी एक चीज मिल गई, दिल को भी दिल को खुशी से भर के भी एक चीज मिल गई, यादें नबी सूरत एक तावीज मिल गई, और होती है क्या बुलंदियां मालूम कब हुआ जब से मुझे हुजूर की दहलीज मिल गई। आइए थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब है, बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, बहरहाल वो हो जाएगा सही मामला। आइए मैं शहाब नुमानी से गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा खींच रहा है माइक, बोलने में मजा नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आएगा भी वो। मैं शहाब नुमानी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे। हाजरीन महफिल, शोरा इकराम, सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माइक बहुत तेज चल रहा है जी। आइए चार मिसरे से अपनी बात को शुरू करता हूँ। कन्वीनर मुशायरा जी इरशाद, बतौर खास परे रसूल का, परे रसूल का अगर शेर में सच्चाई हो तो आगे से लेकर पीछे तक की तमाम ही लोग की दुआ चाहता हूं। परे रसूल का जो भी फकीर हो जाए, परे रसूल का तेरे रसूल का जो भी फकीर हो जाए, कसम खुदा की वो सबसे अमीर हो जाए, कसम खुदा की। भाई साहब
थोड़ा माइक फरमाएं, आवाज बहुत ठीक है। आवाज बनाएं कसम खुदा की वो सबसे अमीर हो जाए, कसम खुदा की जो खुद की जात को कर दे फना नबी के लिए, जो खुद की जात को कर दे फना नबी के लिए, वो छोटा हो के भी वो छोटा हो क्या कहना भाई जिंदाबाद, वाह 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 क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। सबसे कबूल हो जाए कसम खुदा की, आई चार विषय और पृष्ठ कहीं बतौरे खास बना सके। दुनिया से मुसलमानों को मिटाने की बात की जा रही है, इसके हवाले से एक शेर पेश करने की कोशिश करता हूँ। अकबल भाई आपकी दुआ चाहता हूँ, बड़े भाई शाहिद गौर साहब, जमशेद अनवर साहब, चार चाहन करंजी साहब और तमामी शेर है कि आपकी दुआ चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास इलाज के। जावेद आजमी साहब और हाफिज मोहम्मद फैसल साहब, तमामी लोग की दुआ चाहता हूँ, चौथे मिसरे पे दुआएं मांगता हूँ। वह बंद का पैगाम मिटने वाला है, चाहे जितना जोर लगा ले तो बात ले, दुनिया से इस्लाम न मिटने वाला है, दुनिया से इस्लाम न मिटने वाला है। चार विषय और पेश करता हूँ अकबल भाई, आपकी दुआ चाहता हूँ बतौर खास मिलाद के लिए। इरशाद इरशाद बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, एक बार बच्चे के बोल को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी शुक्रिया, पेश करता हूँ मैं तेरे साथ। जी सर, न कोई यादी न तूफान भारी पड़ता है, न कोई यादी न तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुकुर पे ईमान भारी पड़ता है, हमेशा कुकुर पे। हमेशा कुकुर पे ईमान भारी पड़ता है, हमेशा कुकुर पे अगर यकीन सहाबा सबल में हो जाए तो मुसलमान भारी पड़ता है। कहने भाई जिंदाबाद, चार बहुत हो मुसलमान निभारी पड़ता है, पता आइए कदम अल्लाह के पास पेश करता हूँ। जी मेरे पास अल्लाह से करी हर तौर में रहेगा, हर तौर में रहेगा, हर तौर में रहेगा, हर तौर में रहेगा चर्चा मेरे नबी का, हर तौर में रहेगा। एक बार बच्चे के बोल सुभान अल्लाह, और बच्चे के बोल सुभान अल्लाह। जी शुक्रिया शुक्रिया। हर तौर में रहेगा चर्चा मेरे नबी का, चर्चा मेरे नबी का। मीडिया और अजमल भाई, आज भी मीडिया की भी दुआ चाहता हूँ, हर दौर में रहेगा।
हूँ बड़े भाई शहीद गौर की दुआएं मांगता हूँ बता रहे हाथ लगे शाने मोहम्मदी कहा शाने मोहम्मदी कहा कोई नहीं है शानी कोई नहीं है शानी शाने मोहम्मदी का कोई नहीं है शानी शाने मोहम्मदी और स्टेज से भी खुशी देना चाहता हूँ बतौर खास आपकी दुआ छतू बता रहे था यू तो जहां आए लाखों नबी है लेकिन लाखों नबी है लेकिन यू तो जहां आए लाखों नबी है लेकिन कह सकते हैं कोई रुकावट नहीं है एक बार मचल के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह शायद जो करते हैं बस आपके हौसले से करता है शाहब ये लोग जानते सिर्फ ये हैं मुझे ऐसा लगता है कि जब शायर कहेगा तभी ये सुभान अल्लाह कहेंगे बता दिया जाए कि बीच में भी आप खुद कह सकते हैं जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ खास चर्चा मेरे नबी का हर दौर में रहेगा चर्चा मेरे नबी का हर दौर में रहेगा हाथों से मेद छूटी ईमान दिल में ज्यादा ईमान दिल में ज्यादा
شیر پیش کرتا ہوں بنا میں خاص میں ذکر جی شاہ ہاتھوں سے بوجھ چھوٹی ایمان دل میں جاگا ایمان دل میں جاگا ہاتھوں سے بوجھ چھوٹی ایمان دل میں جاگا ایمان دل میں جاگا دیکھا عمرن جس دم جس دم دیکھا عمرن جس دم اپنی جگہ لیتا ہوں بتا رہا خاص بہت اچھے سبحان اللہ کیا کہنا بھائی زندہ باد ہر دور پہ رہے گا چرچا میرے نبی کا چرچا میرے نبی کا چار سے پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں اسٹیج سے بھی دعائیں مانگتا ہوں بتا رہا خاص ملا مجھے تیرا آہا کنوینر مشاعرہ جاوید بھائی اور حافظ محمد فیصل صاحب کی دعا چاہتا ہوں بطور خاص بڑا لگے تیرا آواز چمکے گا تیرا انجام چمکے گا تیرا آواز چمکے گا تیرا انجام چمکے گا تیرے لب پر اگر پیارے نبی کا نام چمکے قسم اللہ حقی دنیا چمکے گا بہت بہت شکریہ السلام علیکم بھائی صاحب بہت عمدہ سبحان اللہ یا